केंद्र सरकार ने काला धन निकालने के लिए जहां पर 1000 और 500 के पुराने नोटों को बंद कर दिया है, तो वहीं कोई सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। लेकिन MIM के MLA वारिस पठान ने कहा है कि सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। इसके अलावा इस विषय पर उनका क्या कहना है, पेश है ब्रेकिंग खबरें की यह खास रिपोर्ट। कि मतलब काले धन के खिलाफ तो सभी है, सारे देश के नागरिक काले धन के खिलाफ है, मगर मेरा हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया ये बहुत जल्दबाजी में ले लिया, क्योंकि देखा यह जा रहा है कल रात से आज तक ATM मशीन्स जो रात को चालू थे पर उसमें पैसे नहीं थे, आज भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक के जब हम टोल नाके पे आ रहे सीलिंग पे, तो मैं खुद मेरी बात बता रहा हूँ, मैं 40 मिनट तक खड़ा हुआ था वहाँ पे। मेरे कुछ लोग पियून मेरा खाना खाने गया तो उसको पहले ही रेस्टोरेंट पे पूछा कि भाई तेरे पास छुट्टा है तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। अब एक लोगों में अफरा तफरी का माहौल सा मच गया है, हैरान है लोग, परेशान है कि किया जाए तो क्या किया जाए। सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए थी, उसके बाद में करते। काले धन के तो विरुद्ध में पूरा देश है, हम सब है, मगर इतना हेस्टी डिसीजन जो लिया है, इसकी वजह से एक जो छोटे तबके का आदमी है वो आज बहुत ज्यादा परेशान हो गया। देखिए अभी सरकार ने 500 और 1000 की बंद कर दिया और फिर 500 और 2000 की चालू कर रहे, तो नीति मेरे तो समझ में नहीं आ रही। क्योंकि देखो, ब्लैक मनी को बंद करना बहुत सही बात है, इससे आतंकवाद में यूज होता है ये भी सही बात है कि आतंकवाद कब होगा, क्योंकि काफ़ी सारी जो थी फेक करेंसीज मार्केट में घूम रही थी उस पर रोक लगाई जाएगी, मगर हर चीज़ का एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ करना चाहिए था। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यूरो करेंसी लॉन्च हुई थी तो 1.25 साल पहले तमाम कंट्रीज ने यूरोप में डिसाइड किया था कि हम यूरो करेंसी को लॉन्च करने वाले, तो उस दरमियान में जिन लोगों को लीगल टेंडर एक्सचेंज करना था तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपनी कंपनीज के हिसाब से लीगली अपने आप के पैसों को कर दिया था, मगर यहाँ किसी को वक्त ही नहीं मिला। 8 बजे अनाउंसमेंट हो गया, 12 बजे तक के बोले फैसला है, तो काफी पब्लिक को तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन ही पब्लिक के सामने नहीं आ रहा है। और आज भी आप देखो कितना अफरा तफरी का माहौल है, पेट्रोल पंप पे ATM मशीन्स बंद है, होटलों में, दुकानों में, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक गरीब तबके का जो आदमी है, छोटा आदमी जो है, जो बेचारा मुश्किल से कुछ जमा कर पाया था, तो ये उसको बहुत भारी पड़ रहा है।